एक औसत हिंदुस्तानी चाहे कितनी भी उच्च शिक्षा क्यों न प्राप्त कर ले, फिर भी वह पंडित पुजारियों द्वारा पैदा किए गए वहमों के भय से कांपता दिखाई देता है। इस वीडियो में देखिए एक नज़र एक छोटे से वहम पर। हमारा एक टेरेस गार्डन है और टेरेस गार्डन में एक छोटे से कोने को हमने नाम दिया है कैक्टस गार्डन। इस नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। वहाँ पर कुछ कैक्टस रख दिए गए होंगे। उन्हीं कैक्टसों में एक प्रजाति है जिसमें बहुत सुंदर कमल का फूल लगता है, कमल के फूल जैसा। इतना खूबसूरत फूल जिसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि कैक्टस, ये जो इतना कांटेदार पौधा है, इसमें से इतना सुंदर फूल सामने निकलेगा। समय समय पर मेरा अनेक व्यक्तियों से मिलना होता है, उसमें मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जिनको बहुत पढ़ा लिखा माना जाता है और जो बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं, ऐसे महान लोग, उन लोगों को मैंने बहुत अच्छे पॉट में कैक्टस को लगाकर भेंट करना चाहा। तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि नहीं, कैक्टस का हमें वहम है। मैं समझ तो गया था वो क्या कहना चाहते हैं, फिर भी मैंने पूछा कि वहम है? मैं समझा नहीं, वहम का मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा, नहीं, हमारे पंडित जी ने कहा हुआ है कि कैक्टस रखना अपशुगन होता है घर में। मैंने कहा, आपने पंडित जी से ये पूछा कि ऐसा किस शास्त्र में लिखा है कि रखना अपशगुन होता है? और आप इतने पढ़े लिखे लोग, इतना आपने विज्ञान को पढ़ा है और इन छोटी छोटी बातों पर अटके हुए हैं। मैंने उनसे कहा, मैं विदेशियों को कई बार ये कैक्टस दिए, उन्होंने प्रसन्न होकर लिए, और मैंने उनसे जानबूझकर पूछा कि क्या आपको कोई वहम है? तो पहले तो वो वहम ही नहीं समझे कि ये होता क्या है, तो उनको वहम समझाया कि वहम क्या चीज़ होती है, तो उन्होंने असहमति जताई। उन्होंने कहा, नहीं, कैक्टस यानी एक प्लांट, बस इससे ज़्यादा क्या, उसको अच्छा और बुरा इससे जोड़कर वो कभी नहीं देख पाए। अनेक लोगों को मैंने देखा जिनको हम कहते हैं ज्ञान नहीं है, ऐसे विदेशियों को, उनके लिए ये सिर्फ एक वनस्पति है, एक पौधा है, और किसी भी पौधे को वो अच्छा और बुरा नहीं कहते। लेकिन हमारे अंदर यहाँ जितने भी हम हिंदुस्तानी हैं, हज़ार वहमों को लेकर जी रहे हैं, और ऐसे वहम जिनका कोई अर्थ नहीं। अब वो आज तक मुझे नहीं बता पाए वो सारे लोग कि कैक्टस को घर में रखने से क्या अपशगुन होता है। मैंने कहा, क्या हो सकता है, उनसे पूछा, बोले बस अपशगुन होगा। तो मैंने कहा, वही तो पूछ रहा हूँ, बताओ क्या अपशगुन होगा, कि पैसा चला जाएगा, घर में अशांति आ जाएगी और बहुत सारी चीज़ें जिनमें हमारा नुकसान होगा। अब आप ये देखिए, इतनी विद्या पढ़ने के बाद, इतने यूनिवर्सिटीज़ में इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद, इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठने के बाद भी जिस व्यक्ति का चिंतन इतना संकीर्ण, इतना श्रिंक हार्टेड चल रहा है, सोच इतनी छोटी हो गई है कि एक छोटा सा पौधा जिसे कि प्रकृति ने बनाया है, रचना की है, वो छोटा सा पौधा इनके सारे सिस्टम को ख़राब कर देगा। जबकि वो कुछ नहीं कह रहा, एक कोने में है, बहुत सुंदर फूल उसमें लगने वाले हैं या ना भी लगें, एक पौधा है और ना वो जहर उगल रहा, कुछ नहीं कह रहा। लेकिन ऐसी मान्यताओं को हमारा समाज ढो रहा है और वो एक बार भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता कि इन चीज़ों को ढोकर वो आखिर कहाँ पहुँचेगा। इन छोटी छोटी सी बाधाओं को हम पार नहीं कर पाए तो कैसे उस अनंत की यात्रा पर निकलेंगे? तो यह एक विचारणीय प्रश्न है। जब भी आपके मन में कुछ ऐसी बातें कोई कहे या आए कि नहीं नहीं इसका तो हमें वहम है, तो ज़रा अपने भीतर विचार करना, आत्ममंथन करना, आत्मचिंतन करना कि क्या ये सच में वहम जीवन में उतारने योग्य है। तो थोड़ी सी अगर कसरत करेंगे इस बारे में
तो समझ में आ जाएगा कि आप कितने अंधेरे में थे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप एक बार फिर से इन कैक्टस के फूलों को देखिए।